दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मैजिशियन हॉग। आप सभी दोस्तों को मैजिशियन हॉग यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त आज एक बहुत ही पावरफुल मैजिक लेके आया, तो ये जो मैजिक है दोस्त, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम इस मैजिक को करके दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि मैजिशियन लोग इस मैजिक को कैसे करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक कार्ड को चूज करेंगे, तो उस कार्ड को साइन भी करवाएंगे। तो मैं स्पेक्टेटर को बोलूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ से कोई भी एक कार्ड स्टॉप बोल के आप चूज कीजिए। ओके, तो यही लेंगे आपके कार्ड। ये देखिए, ये है एज ऑफ हर्ट्स है, तो इस कार्ड को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज आप इस कार्ड को आप साइन कीजिए। तो इनका जो साइन है गाइस, ये देखिए इनका साइन करा हुआ कार्ड है, ध्यान से देखिए। तो इस कार्ड को हम नीचे रखते हैं बिल्कुल ऐसे। उसके बाद यहाँ पे एक फैन बना लेते हैं हम। तो अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे इनको कि इनका जो ये कार्ड है, इस कार्ड को इस फैन के अंदर में डाल दें, एकदम पूरा नहीं डाले, थोड़ा बहुत बाहर रखे, उसको पकड़ के रखे। हाँ बिल्कुल पकड़ के रखे, ताकि हम कोई भी आपके कार्ड के साथ छेड़खानी ना करें। ओके, तो अभी हम फैन बंद कर रहे हैं और ध्यान से देखिए, कार्ड को पकड़ के रखिए। ये कार्ड आपका है, हाथ हटाइए, ये कार्ड आपका है, है मेरा। तो इसको अंदर पुश कर दीजिए, एक साथ मिला दीजिए इसको। तो गाइस कार्ड जो है, इनका कार्ड आप खुद ही मिडिल पे रखा है, मिडिल पे रखा है। तो अभी हम इसका ऊपर करेंगे मैजिक। तो मैजिक करते ही गाइस, इनका जो कार्ड है ये सबसे सबसे नीचे चला गया है, ये देखिए। तो गाइस चलते इसकी ट्यूटोरियल के ऊपर। तो इससे पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करें, अगर आप इस तरीके की मैजिक पसंद करते हो तो प्लीज़ आप वीडियोस पे एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही यूनिक मैजिक ट्रिक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तुरंत, और सबसे पहले आप देख पाए, सबसे पहले आप सीख पाए। तो चलते हैं इसकी ट्यूटोरियल की ओर, ये मैजिक मैजिशियन लोग कैसे करते हैं। स्पेक्टेड कार्ड बीच में डालते हैं और उनके हाथों से कार्ड को रखा जाता है, पर कार्ड नीचे कैसे आ जाता है, तो चले इसकी ट्यूटोरियल के ऊपर। मैजिक मैजिशियन लोग कैसे करते हैं, एक नॉर्मल डेक से होता है, ऐसा कोई स्पेशल डेक की जरूरत नहीं है और कोई स्पेशल सेटअप की भी जरूरत नहीं, एक नॉर्मल सा डेक से ये मैजिक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप चाहे तो कार्ड को साइन भी करवा सकते हैं, अगर आप डेक को बेकार करना नहीं चाहते हैं तो आप साइन ना भी करवा के कोई भी एक कार्ड स्टॉप बोल के कहीं पर भी ऑडियंस का सिलेक्शन हो सकता है, स्पेक्टेटर का सिलेक्शन हो सकता है। मान लीजिए कि यही कार्ड है, ये कार्ड है नाइन ऑफ डायमंड्स, तो मान लीजिए मैं यहां पे एक साइन कर देता हूं, तो यहां पे ये जो साइन हमने कर दिया है, तो ये साइन करा हुआ कार्ड है। इस समय आपको क्या करना है, जिस टाइम साइन करते हैं उस समय एक कार्ड को थोड़ा बहुत आगे करके यहां पे एक पिंक की ब्रेक लेना है, बिल्कुल ऐसे जो सामने से बिल्कुल एक नॉर्मल दिखता है। तो यहां पे पिंक की ब्रेक हो गया, तो आप बॉडी उसको ऐसे दिखाएं कि ये कार्ड आपका साइन करा हुआ है। आप दिखाते समय इस कार्ड को यहाँ पे ऐसे ऊपर छोड़ दें, छोड़ने के बाद इस कार्ड को यहाँ पे उठा के ऐसे रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फैन बनाना है। तो देखिए मेन बात तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक कार्ड है नहीं, जैसे आपने पिंकी ब्रेक ले ली, यहाँ पे दो कार्ड आ चुका है। जो ऊपर में कार्ड है ये उनका साइन करा हुआ कार्ड है, और जो हमने पिंकी ब्रेक लगा के कार्ड रखा था वो यह है डायमंड्स ऑफ टू। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे इस समय ऑडियंस को, मतलब स्पेक्टेट को बोलना पड़ेगा कि हाँ आपका जो ये कार्ड है इसको बीच में डाल दीजिए। तो इस समय जब आप इसको ऐसे दिखा के ले आ रहा है, तो इस समय हाथ को आते समय इसको खींचना है ऐसे, थोड़ा बहुत उंगली इसको टेढ़ा करके रखे और ऐसे इस तरीके से इसको ऐसे टेवे लेके आए, खींच के लेके आए। ओके, तो कार्ड यहाँ पे इस लोकेशन पे आपको है, आपको पता है कौन सी साइट पे है या फिर कैसे लोकेशन पे इस कार्ड को है। आप जब इसको ऐसे खींच के लेके आएंगे तो अगल बगल का भी लोगों को पता नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। उस समय जब ये कार्ड उन्होंने ऐसे डालता है और पकड़ के रखता है, आपका हाथ उस लोकेशन पर ले जाना है जहाँ पे आप फैन बंद करेंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे फैन बंद करते हुए
इस पूरे कार्ड को उस कार्ड के ऊपर छोड़ना है। अभी देखिए ये जो कार्ड है बाहर है, तो इंस्पेक्टर को आप बोल रहे हैं कि आप इस कार्ड को अंदर पुश कर दीजिए ऐसे। तो जैसे कार्ड को पुश कर दिया, उन्होंने उनका कार्ड साइन करा हुआ बीच में रखा है और कार्ड को खुद ही पुश किया है। मैजिक करते ही ये साइन करा हुआ कार्ड चला जाता है नीचे, यानी आप तो इसको ऐसे नीचे लेके आया, पर यहाँ पे आपको ट्रिक आजमाना है। ये उनका साइन करा हुआ कार्ड है और आपको यहाँ पे एक कार्ड को आगे करते हुए यहाँ पे पीछे एक पिंकी ब्रेक लगा के रखना है। आप कार्ड को ऐसे दिखाते हुए ऐसे छोड़ना है और इस कार्ड को ऐसे उठा के बिल्कुल ऐसे रखना है। और इसको रखना है कैसे, तब फैलेगा नहीं, ये रखना है ऐसे, थोड़ा बहुत बैन करेगा हल्का सा और ज़्यादा ऊपर से नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर से। आप इसको आराम से छोड़ेंगे तो ये खुलेगा नहीं, जैसे कि वैसा रहेगा। उसके बाद आप एक फैन बनाइए, फैन बनाने के बाद इसको इस तरीके से उंगली लगा के सामने कवर करते हुए इस कार्ड को ऐसे खींच के लेके आए। एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है और एक कार्ड यहाँ पड़ा है। जो आपका दरकार है, जो आपका मैजिक है, वो कार्ड तो आपने ले लिया है। उसके बाद ये जो कार्ड आपने पिंकी ब्रेक लगा के रखा है, उस कार्ड को ऐसे फैन को बंद करते हुए उस कार्ड के ऊपर आपको ये सारा कार्ड छोड़ना है और स्पेक्टेट को बोलना है कि आप इस कार्ड को अंदर पुश कर दीजिए। जैसे अंदर पुश कर देगा, कुछ ड्रामाबाजी करके दिखाइए कि नहीं, आपका जो साइन करा हुआ कार्ड आप बीच में डाला था वो नीचे चला गया है।